बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की खूबसूरत वाइफ योगिता बालेन से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, जिन्हें ये किसी और का होते हुए नहीं देख सकती। पर क्या आप जानते हैं कि जब शादीशुदा होते हुए मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी फिल्मों की हीरोइन श्रीदेवी से गुपचुप शादी की थी, तो इनकी पत्नी योगिता ने इतना बड़ा चौंकाने वाला कदम उठाया था कि उसके बाद मिथुन दा ने किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। तो ऐसा क्या किया था योगिता जी ने, और क्या वाकई मिथुन दा की शादी श्रीदेवी से हुई थी, आखिरकार क्या था पूरा मामला, चलिए आपको इन सारे सवालों के जवाब देते हैं। पर उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, बॉलीवुड के डिस्को डांसर यानी अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती अपनी बेहतरीन फिल्मों के साथ ही चर्चित एक्ट्रेस श्रीदेवी से अफेयर रखने के चलते भी सुर्खियां बटोर चुके हैं, जिनसे गुपचुप शादी करने के बाद अभिनेता की लाइफ में भूचाल आ गया था। जिन्होंने मिलकर एक साथ कई फिल्मों में काम किया था, जिनमें वक्त की आवाज, जाग उठा इंसान, गुरु और वतन के रखवाले जैसी फिल्में शामिल हैं। खबरों की माने तो साथ साथ फिल्में करने के दौरान इनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी। फिर लंबे समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद श्रीदेवी और मिथुन ने गुपचुप शादी कर ली थी। हालांकि यहां एक पेच ये था कि असल में मिथुन चक्रवर्ती पहले से ही शादीशुदा थे और इनके दो बच्चे भी थे। वहीं श्रीदेवी को भी ये बात पता थी, लेकिन मिथुन की वाइफ योगिता बाली ये बात नहीं जानती थी। इस बीच एक दो साल निकल गए, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक दिन योगिता बाली को मिथुन की सीक्रेट शादी का पता चल गया था। इसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना तो मिथुन दा ने भी कभी नहीं की थी। जी हाँ, कहते हैं कि पति की बेवफाई से आहत योगिता ने सुसाइड करने की कोशिश की थी, जिसके बाद मिथुन ने श्रीदेवी से दूरी बना ली थी। खबरों की माने तो मिथुन और श्रीदेवी का ये रिश्ता 3 साल के अंदर ही खत्म हो गया था। वहीं मिथुन से दूर होने के बाद श्रीदेवी ने प्रोड्यूसर बोनी कपूर से शादी कर ली थी, जो कि पहले से ही शादीशुदा और दो बच्चे के पिता थे। वेल दोस्तों, क्या योगिता बाली को मिथुन दा से तलाक ले लेना चाहिए था? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही ऐसी तमाम वीडियोस को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।